दतिया में एक दिवसीय सर्वन संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन अभियोजन संचनालय भोपाल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। इस दौरान डॉक्टर हेमंत जैन ने कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें एक साथ चलना सिखाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए और कानून का भय हर अपराधी में होना चाहिए। इस दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि कानून के पालन करवाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अभियोजन शाखा की अहम भूमिका होती है। पूरे इलाके में शांति है जब से भाजपा की सरकार आई। बालाघाट इलाके में नक्सलाइट थे, ढोकिया और गलुआ के विरोध थे बिंद में, मालवा अंचल में सिनी का नेटवर्क था, एक भी नहीं, कोई सिनी विरोधी, कोई सिनी नेटवर्क नहीं। कड़े कानून बनाए और कानून बनाने के कारण ही तो आज हमने 200 से ज्यादा माफियाओं पर कार्रवाई कर दी। मध्य प्रदेश के अंदर कोई माफिया का राज नहीं है, कठोर कानूनों के प्रावधान किए हमने। तो राज्यपाल या राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस दिलाते, संपूर्ण कोई नहीं हो, एक दूसरे के पूरक हो। ये उस बात का हमारा संविधान बाबा साहब का हमको सिखाता है कि सब एक दूसरे के पूरक चलो, ये डेमोक्रेसी है, ये तानाशाही नहीं है, सर्वोच्च संस्था कोई। इसमें पुलिस के साथ ही अभियोजन विभाग के साथ ही कुछ और अनुषांगिक विभाग, टीचर्स वगैरह जिनकी की भूमिका होती है अपराधियों तक पहुंचने के लिए और उनको सजा दिलाने के लिए, सच मायनों में न्याय पूर्ण व्यवस्था कायम करने में आप सभी की बड़ी भूमिका है। और आपकी नजर से कोई बच ना पाए, कोई अपराधी ना बच पाए, क्योंकि समाज में अभी भी अपराधी चुनौती है और उनसे निपटने के लिए हमारे देश में हमारा संविधान और तरह तरह के विधान है। 3,25,000 लोगों को भर्ती करके हमने उनका इलाज किया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी संख्या है, लगभग पूरे जिले की जनसंख्या 7-7.5 लाख है। उतने लोगों को हम 4 साल में इलाज करके सेवा दे पाए हैं और यह सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री जी की कृपा से हुआ है। हमने कोरोना काल में लगभग 2,35,000 लोगों की आरटीपीसीआर जांच की और उसमें पॉजिटिव आए लगभग 8,500 लोगों का भरपूर इलाज किया।